आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। जनपद औरैया के अजीत मल में समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव डॉक्टर महिमा यादव का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। अजीत मल के बाढ़ अम्बेडकर नगर में सर्वेश बाबू गौतम के आवास पर महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव डॉक्टर महिमा यादव को पदभार ग्रहण करने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अशोक चिन्ह देकर स्वागत किया। पद की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं कि वो हर वर्ग का ध्यान रखने के साथ साथ जो आधी आबादी महिलाओं की है उनको भी भरपूर सम्मान दिया। प्रदेश सचिव जो मेन बॉडी का पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, हमारी बहन डॉक्टर महिमा यादव को दे करके ये औरैया जनपद का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाया है, बहुत बड़े गौरव की बात है। इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस दौरान डॉक्टर महिमा यादव ने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ और हमेशा रही और रहेगी भी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी किया है और जो कर रहे हैं आप जानते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी, किसानों की जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बता दें आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल का माहौल है, जहां सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में रैली, जनसभा, रथ यात्रा और चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को वरीयता देते हुए डॉक्टर महिमा यादव को प्रदेश महासचिव के पद पर नियुक्त किया है। डॉक्टर महिमा यादव को प्रदेश महासचिव बनाया है।